मैं भिवंडी शहर में भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका द्वारा बनाया गया राजीव गांधी उड़ान पुल, वहां मैं उसके ऊपर खड़ा हूं और मेरे ठीक पीछे बोर्ड दिखाई दे रहा है। 2006 में इस फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया था और अब 12 साल पूरा हुआ और ये फ्लाईओवर का कुछ हिस्सा पीछे गिर चुका है, जिसके कारण बड़ी गाड़ियों को इस फ्लाईओवर पर आने के लिए बैरियर लगा दिया गया है। हालांकि उस बैरियर को कई बार ट्रक ड्राइवरों ने ठोक दिया है, जिसमें बड़ी घटना होते होते बची है। बड़ी बात यह है कि 12 साल में यह फ्लाईओवर बेकार हो चुका है, फिर भी इस फ्लाईओवर पर बड़ी गाड़ियों को रोक कर और अब यहाँ 24 घंटे के 3 शिफ्ट में एक तरफ 6 जवानों को लगाया गया है, दो तरफ जवानों को लगाया गया, 6 और 6, 12 जवानों को इसकी देखभाल के लिए लगाया गया है ताकि बड़ी गाड़ियां इस फ्लाईओवर पर से ना जाएं। बड़ी बात यह है कि ये जो 12 जवान है उसमें से एक जवान की जो तनख्वाह है, जो पगार है, 24,000 रुपये महीना। इस तरह से एक महीने में भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका इसकी सिक्योरिटी की देखभाल करने के लिए 2,84,000 रुपया खर्च करेगी। उसके अलावा इस पर झाड़ू मारने का और जो मेंटेनेंस का काम है वो अलग, तो साल भर का जो 50,00,000 रुपया सिर्फ गाड़ी रोकने के लिए इस पर खर्च होगा वो कहाँ से आएगा, वो किसकी जेब पर उसका बोझ पड़ेगा। तो समय रहते इस फ्लाईओवर की देखभाल क्यों नहीं की गई जिसके कारण वो गिर गया। मैं फखरे आलम खान।